अंसारी, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंसारी ब्लॉग 1974 पर। तो जैसे कि हम मुंद्रा सिटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक पहाड़ के दामन में बहुत बड़े हस्ती हैं, हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है, बड़ा ही आस्थाना खूबसूरत है। कल ही आपका उर्स ख़त्म हुआ है, तो आज हम जा रहे हैं फिर से, इंशाल्लाह आपको ज़ियारत भी कराते हैं। तो आप बने रहें मेरे वीडियो में, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और मुझे आप इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है। बाईपास से जा रहे हैं हमारे भाई जी, देखिए सामने मेरे पहाड़, बड़ा प्यारा लुक। तो जैसे कि देखिए गाइस, ये सामने मेरे पहाड़, गाइस हम दरगाह के आस्थाने के एकदम करीब पहुंच रहे हैं। ये देखिए पहाड़ी, पहाड़ियों में बसा हुआ आस्थाना, बड़ा ही प्यारा मंजर। देखिए चारों तरफ से मेरे गाड़ियां गुजर रही है, ये हाईवे है गाइस, हम यहाँ आ चुके हैं। आइए चलते हैं आस्थाने की तरफ। गाइस देखिए, एक छोटी सी उमरा बाईपास ट्रैफिक चौकी, झंडे वगैरह लगे हुए हैं गाइस। ये देखिए यहाँ से भी एक रास्ता है, जैसे कि एक छोटा सा आरजी तौर पर एक गेट बनाया गया है, ये यहाँ से भी जाने का एक रास्ता है आस्थाने पे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा, काफ़ी प्यारी लाइट लगी हुई है यहाँ पर, बट अभी शाम का वक्त है। इंशाल्लाह यह है बुलंद दरवाज़ा, हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के गेट के पास हम आ चुके हैं। ये हमारे ट्रस्टी जहूर बाबा खादिम, हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब। गाइस देखिए दूसरा एक गेट है यहाँ पर, कुछ खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है गाइस यहाँ पर। गाइस देख सकते हैं आप, ये दूसरा गेट हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का प्रवेश द्वार, एक रास्ता यहाँ सर दिया गया है, यहाँ सर भी जाने के लिए। ये पूरा हाईवे का, पहाड़ों का दामन, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आस्थाने में। जैसे कि गाइस देखिए, अब हम ये रास्ता है, यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। ये आस्थाना है सामने सरकार का, हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। सो गाइस देखिए, यहाँ पर एक ताल पत्री वगैरह बनी हुई है, ये पहाड़ों का दामन गाइस आप देख सकते हैं ऊपर से। आइए चलते हैं गाइस अंदर।
देखिए हम पहाड़ पर आ चुके हैं, ये सीढ़ी बनी हुई है आपके आस्थाना मुबारक तक जाने के लिए। बहुत चढ़ान पर है ये गाइस, ये देखिए गाइस, ये छोटा सा एक एरिया बच्चों का प्लेग्राउंड, बच्चों को खेलने के लिए, ताकि जायरीन आ सके, ज़ियारत कर सके, अपने बच्चे को झूला झूला सके। गाइस देखिए ये घुमावदार रास्ता, एक सबिल है, सबिल इमाम हुसैन, यहाँ लोग आकर पानी वगैरह पी सकते हैं। ये नल आप देख सकते हैं गाइस, आइए गाइस चलते हैं। कुछ जायरीन वगैरह है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु या साहिबे मज़ार। गाइस देखिए एक फूल चादर की दुकान, गाइस देख सकते हैं ये बड़ा ही प्यारा मंजर, बड़ा ही खूबसूरत व्यू। ये हजरत की मज़ार मुबारक, ये ऊपर, अब यहाँ से सीढ़ी है। देखिए गाइस ये लोगों के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है, ताकि लोग आसानी से ऊपर जा सके और ज़ियारत कर सके। तो गाइस देखिए जैसे कि हम अभी इस वक्त सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये कुछ जायरीन उतर रहे हैं ऊपर से, देखो ये भी ज़ियारत के लिए आए हुए हैं शायद। ये सीढ़ी है, बाकायदा सीढ़ी बनाई गई है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ यहाँ जाना है गाइस, देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, आखिर में ये पूरा पहाड़ों का दामन, बड़ा ही खूबसूरत मंजर आपका आस्थाना मुबारक। ये देखिए ये है, ये मेन सीढ़ी पर हम आने वाले हैं। ये मस्जिद है क्या? अच्छा दरगाह शरीफ है ये भी एक। तो गाइस जैसे कि हम आस्थाना पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक पर हम आ चुके हैं। तो आइए आपको ज़ियारत कराते हैं हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक। गाइस आप देख सकते हैं,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या साहिब मज़ार। गाइस देखिए बड़ी ही खूबसूरत मज़ार शरीफ आपकी। ये आपका चिरागा जो कि अभी भी रोशन है, 24 घंटा रोशन रहता है। सैयद फ़कीर शबाब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक पर हम आ चुके हैं। ये सरकार है हज़रत सैयद फ़कीर शबाब का ताज मुबारक, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं कुछ ज़ायरीन खास करके ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, इबादत कर रही हैं, दरूद व सलाम पेश कर रही हैं, जो भी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। पहाड़ पर आकर ये लोग ज़ियारत भी कर रही हैं और माशाल्लाह बड़ा ही, ये देखिए बड़ा ही प्यारा व्यू, ये पहाड़ का हिस्सा। बहुत पुराने पेड़ गाइस देख सकते हैं आप, एकदम पहाड़ों से लगा हुआ आपका आस्थाना मुबारक हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम खड़े हैं इस वक्त। ये देखिए ऊपर से व्यू दिखाते हैं हम आपको गाइस, बड़ा ही प्यारा मंजर। ये सामने हाईवे बाईपास मुमरा से लगकर जो बाईपास है, तो देखिए गाइस जैसे कि हमने अभी आपकी ज़ियारत करा दिया है वीडियो के ज़रिए, हमने भी कर लिया ज़ियारत माशाल्लाह, असर की नमाज़ भी हमने पढ़ ली और अभी हमारे यहाँ के जो देखभाल कर रहे हैं माशाल्लाह कई सालों से हम देख रहे हैं उनको, हमारे ज़हूर बाबा करके हैं, तो माशाल्लाह उनसे मुखातिब होते हैं, उनकी एक छोटी सी बाइट लेते हैं हज़रत के ताल्लुक़ से। बताइए आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हूर इस्माइल फ़कीर है और मैं हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा दरगाह थोड़ा जोर से बोलिए का अध्यक्ष हूँ माशाल्लाह, और यह खिदमत करता हूँ बाबा की 30 साल से। जी कितने साल से? 30 साल से माशाल्लाह, 30 साल से। देखिए गाइस ये हमारे ज़हूर बाबा है कौसा खड़ी मशीन की जो दरगाह है हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत गुजारी में निकाल दिया इन्होंने, आगे तफसील से पूछते हैं। तो हज़रत सरकार सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह आप कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? आप तशरीफ़ लाए थे सब हाजी मलंग शाह दूल्हा सरकार की पालकी के साथ आए हुए। जी जी सब उनके साथ में ही आए, हाजी मलंग सरकार के साथ ही आए माशाल्लाह। तो आप देखभाल कम से कम 30 साल से कर रहे हैं? जी जी। काफ़ी ज़ायरीन वगैरह आते हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए? जी जी माशाल्लाह। और उसका एहतमाम भी आप ही करते हैं माशाल्लाह? जी हम, मेरे साथ में और भी लोग, और भी लोग जुड़े हुए आपके साथ सब मिलके माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारे ज़हूर बाबा थे, तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपको दूसरी ज़ियारत कराते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस जैसे कि अभी हमने ये व्लॉग हमारा कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। गाइस अगर मुझे आप
फॉलो करना चाहते हैं गाइस तो मेरे इंस्टा आईडी है टूर ब्लॉग 01, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।